हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनीताज किचन। तो आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में जैकफ्रूट भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे काटने की टेक्निक से मैं आपको बताती हूँ मैं इसे कैसे काटूँगी, जिसकी वजह से आपको एफर्ट कम लगे इसे काटने में। तो चलिए मैं इसे कटिंग से शुरू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे रिंग शेप में ऐसे काट लेती हूँ। इसको भी मैं काट ले रही हूँ। ये बिल्कुल ही फ्रेश जैक फ्रूट है, आप देख सकते हैं इसमें से मिल्क कैसे बाहर आ रही है। ये बहुत ही फ्रेश है, ये देखिए। तो ऐसे करके मैं सारी की सारी रिंग्स जैसे शेप में काट लूँगी। फिर मैं जस्ट एक छोटी सी यहाँ पे कट लगाऊंगी ऐसे। फिर इस कट के सहायते से मैं इस पूरी रिंग को काट लूँगी, ये देखिए। क्योंकि मुझे चाकू से ही काटने की आदत है, तो मेरे लिए यही कम्फर्ट जोन है सबसे। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे रिंग शेप में काट ली हूँ। अब मैं इसे देखिए हल्की सी चीरा लगा देती हूँ यहाँ पे। अब मैं इसी पॉइंट से पकड़ के मैं इसे हल्की सी काटूंगी, क्योंकि मुझे नाइफ से ही काटने की आदत है, तो मेरे लिए ये बहुत कंफर्टेबल यही है। इस तरीके से मैं ऐसे काट लेती हूँ। आपको जैसे शेप्स एंड जैसे साइज में आप चाहें आप उसे काट लीजिए। तो मैं थोड़ी सी बड़ी ही रख रही हूँ, ये देखिए कितनी जल्दी हो गई। इस तरीके से काटने से एफर्ट भी बहुत कम लगती है, ये देखिए। तो अब फ्रेंड्स, मेरी कटहल भी कट हो गई है। अब मैं इसे वॉश करके इस बर्तन में वापस रख देती हूँ। तो मैं इसे डायरेक्टली बनाने वाली हूँ, मैं इसे बॉयल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी बड़ी साइज़ की है, तो इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं यहाँ पे ये प्याज, आलू, अदरक पहले से मैं ग्रेट करके रखी हूँ, और एक लहसुन है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं प्याज को इस कटर में काट लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसमें तेज़पत्ता, जीरा, छोटी इलायची और लौंग मैं डाल रही हूँ, और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कटहल भी फ्राई हो गई है। थोड़ी सी नमक इसमें डाल देती हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अलग से मस्टर्ड ऑयल गर्म की हूँ, ताकि मैं इसमें सारी प्याज मैं मसाले को अलग से ही फ्राई कर ले रही हूँ। यहाँ पे ग्रेटेड जिंजर है, ये सभी दे देती हूँ, और बाकी की मैं यहाँ पे पेस्ट बना के रखी हूँ। इन सबको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। ऑनियन से जिंजर अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ये पेस्ट ऐड कर देती हूँ। हल्दी, रेड चिली, जीरा पाउडर, तीखापन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप जैसे खाते हैं। अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से वापस फ्राई करके मैं उसमें मिक्स करके फिर से फ्राई करूँगी। इसमें भी जैकफ्रूट फ्राई हो गई है। अब मैं इसे गर्म पानी में बॉईल कर लेती हूँ। मैं इसे कुकर में एक सीटी दूंगी, ताकि ये पूरी तरीके से बॉईल हो जाए, उसके बाद ये हो जाएगा। तो मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। प्रेशर कुकर में डालने से पहले थोड़ी सी गर्म मसाला इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये सनराइज़ की गर्म मसाला है, ये बहुत अच्छी फ्लेवर देती है करीज़ को। मैं इसे अब मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी जैकफ्रूट की कड़ी सब्जी रेडी है। अब मैं इसे थोड़ी सी घी के साथ में प्रेजेंट करती हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। प्लीज़ आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।